हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस इस वीडियो में हम ब्रिस्टो के ब्रिस्टल हैवीवेट अल्ट्रा स्मूथ 250 जीएसएम के पेपर का रिव्यू दूंगा और इसके अलावा आपको सारी चीज़ें वो बताऊंगा किस तरीके से आप इसको एकदम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ब्लेंडिंग, शेडिंग और सारी चीज़ें, आउटलाइन वगैरह सब कुछ बता के सिखाऊंगा किस तरीके से आपको बनाना चाहिए। एंड टच करने पर दोनों साइड में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें फीलिंग आ रही है, और दोनों तरफ मैंने चेक किया तो इसमें ऐसे बताना मुश्किल है कि किस तरफ ज़्यादा रफ है और किस तरह ज़्यादा स्मूथ है। दोनों साइड एक ही जैसे ऑलमोस्ट लग रही हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये पेपर था। देन उसके बाद मैं आउटलाइन बनाने के लिए, कई लोगों को ग्रिड मेथड बनाने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपको दोनों साइड एक एक सेंटीमीटर या फिर एक एक इंचेस के आपको पहले डॉट्स लगा लेने हैं मेजरमेंट के लिए। देन उसके बाद आपको चारों तरफ करने के बाद आमने सामने वाले डॉट से लाइन को खींच लेना है। ये एकदम एडजेसेंट होंगी लाइंस, तभी आपको अच्छे से स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे। आपको जितने छोटे बॉक्स बनाएंगे उतना ज़्यादा मेजरमेंट करने में आपको आसानी होगी और उतना ही ईजिली आप आउटलाइन बना पाएंगे। आउटलाइन बना लेने के बाद आपको जो भी, जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, आईज से स्टार्ट करना है या फिर नोज से स्टार्ट करना है, तो आप पहले बॉक्सेस को काउंट कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से स्टार्टिंग पॉइंट अपना चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद स्टार्ट कीजिए किस तरीके से बनाना है। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट आईज से ही स्टार्ट करता हूँ, मैं हमेशा आईज से ही बनाता हूँ क्योंकि मुझे उसमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजिली होता है और अच्छे से आईज से ही पूरा शेप देने में मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। मैंने फ्री हैंडेड भी बनाया हुआ है तो उसमें भी मैं कहता हूँ कि आइस से बनाने में ज़्यादा आसानी रहती है, उससे सारी चीज़ों का मेजरमेंट अच्छे से लेने में मिल जाता है। सो गाइस आपको ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर सारे के सारे मेजरमेंट आपको दिख रहे हैं। मैं आपको इस फोटो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर नहीं मिलेगी लिंक तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ये पिक्चर दे दूंगा, आप वहाँ से बना सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट बना के नहीं दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। और उसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर आउटलाइन बनाने की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पेंसिल यहाँ पर वर्क हो रही है। मैं यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है और इरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पर जैसे पेंसिल चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा हमें प्रेशर का भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ईजली स्मूथली एंड क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही है। अभी तक तो मैंने मैकेनिकल पेंसिल ही यूज़ किया। देन गाइस यहाँ पर इरेज करके हम चेक करते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इरेज हो रहा है और पेपर में कोई रफनेस भी नहीं आ रही बिलो पेपर में। अक्सर होता है कि जो ख़राब पेपर होते हैं उसमें इरेज करने के बाद रफनेस आ जाती है, तो वैसा रफनेस भी नहीं आ रही, यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये वर्क कर रहा है इरेजर पेंसिल। सो गाइस अब बात करते हैं शेडिंग के। यहाँ पर शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रेडलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो भी पूरा वीडियो होगा मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर इसकी स्मूथनेस मिल जा रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा ईजिली यहाँ पर शेडिंग भी हो गई है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना स्मूथली और अच्छे से ब्लेंड भी हुआ है। आप यहाँ पर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं बड़ा एरिया था इसलिए मैंने टिश्यू पेपर का हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बड़े एरिया के लिए टिश्यू पेपर यूज़ किया करें जिससे कि कंटिन्यूटी अच्छे से बनी रहती है और स्मूथ स्किन टेक्स्चर्स मिल जाते हैं। देन गाइस यहाँ पर मैं 4B का दोबारा से अच्छे से बेस लेयर बनाऊँगा और अच्छे से इसको जो भी डार्क पार्ट है उनको अच्छे से शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शेडिंग हो रही है और दोबारा से ब्लेंडिंग उसी से ही कर दूंगा। सेकंड और थर्ड टाइम में आप ब्लेंडिंग स्टेप या फिर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पर मुझे टिश्यू पेपर यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क भी कर रहा था इसलिए मैंने उसका बार बार यूज़ किया है। देन उसके बाद अगेन मैं 4B का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से और डार्क करने के लिए और थोड़ा सा टेक्स्चर्स बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्किन टेक्स्चर्स अच्छे से आ भी जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारा लुक भी आ गया है। देन गाइज अब जो भी पार्ट था हमारा शेडिंग का वो हो चुका है, आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है बट अभी थोड़ा सा जो डार्कनेस डेफनेस है वो अच्छे से बनाने के बाद अच्छे से आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैं आईज़ को बनाने के लिए 8B का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्रश और 8B का यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर कैचअप भी किया है 8B को, वरना अक्सर होता है कि 8B इतनी डार्क नहीं दिखती एंड पेपर क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो उस पर भी 8B और 6B भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डार्क दिखने लगती है। एंड गाइस यहाँ पर मैं चारकोल पाउडर का भी यूज़ करके चेक कर ले रहा हूँ कि किस तरीके से इसका इफेक्ट आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लुक बन रहा है
और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारी डेफनेस भी आ गई है। मतलब अगर बात करें कि चारकोल की, तो ये पीस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चारकोल को कैप्चर कर रहा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्लैकनेस आ जा रही है और काफ़ी ज़्यादा डीप आपको अच्छे से डेफनेस मिल जाएगी। एंड गाइस, पाउडर का यूज़ करने के बाद मैं दोबारा से पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर, जिससे कि ये भी पता चल गया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पेंसिल वर्क कर रही है चारकोल के ऊपर। यहाँ पर ग्रेफाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पा रही हैं और अच्छे से डिटेल्स भी दिख रही हैं, तो आपको यहाँ पर शेडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जा रही हैं। एंड नोज़ में भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से शेडिंग होती है। तो यहाँ ब्रश का यूज़ करके थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर्व और जो ट्रांजिशन बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन जा रहा है। अक्सर होता है पेजेस में जो ट्रांजिशन आप ब्रश का यूज़ करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डार्क टू स्मूथ बिल्कुल अच्छे से आपको एकदम बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो गाइज, ये तो रही शेडिंग की बात, अब बात करते हैं इरेजर प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ पर आपको इरेजिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिन लाइंस मैं इरेज कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शार्पनेस के साथ बिल्कुल अच्छे से इरेज हो जा रही हैं। एंड गाइज, ये प्रॉपर्टी जो होती है किसी पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अक्सर देखते होंगे जब भी आप इरेज करते हैं तो वो इरेज अच्छे से नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जहाँ पर मैंने इट भी और जहाँ पर चारकोल पाउडर भी यूज़ किया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप इरेज होता हुआ देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है किसी पेपर के अंदर, तो आपको जब भी पेपर अगर परचेज करते हैं तो अगर ये क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते पेपर में मिल जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सो गाइज, इसके शेडिंग प्रॉपर्टीज़ और इरेजिंग प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, आपने पूरा कम्प्लीटली देख ही लिया। उसके अलावा यहाँ पर गाइज मैं आपको जो लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोड में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर बनता है। उसके अलावा मैं आपको एक दो दिन में वीडियो पूरा कम्प्लीट आपको दिखा दूँगा किस तरीके से ड्रॉ करना है। एंड गाइज, इसके अलावा यहाँ पर मैं वेयर्स को भी बनाना अच्छे से आपको एक एक जो स्टेप है वो दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर वेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि वेयर्स बनने में भी कई पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्किन शेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है बट वेयर्स वगैरह अच्छे से नहीं बन पाते, हेयर्स उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाते, तो उसके भी मैं अच्छे से आपको बनाकर एक एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया था, देन 2B का, देन 4B का यूज़ करने के बाद अब यहाँ पर मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करके अच्छे से थोड़ा सा जो डार्क पार्ट है वहाँ पर चारकोल पाउडर का यूज़ कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक भी हुआ है, आईब्रोज में उतना अच्छे से आपको नहीं दिखा रहा होगा, फिर भी यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ब्लैकनेस भी आई है। एंड गाइज, अगर रियलिस्टिक लुक की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा रियल लुक हमें देखने को मिल जाता है, वेयर्स और स्किन टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको एकदम रियलिस्टिक लुक आ जा रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही हैं। एंड गाइज, अगर आप इसको एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 225 का मुझे अमेजन से ऑनलाइन मिल गया था। आप अगर लोकल स्टेशनरीज पर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिल सकता है। एंड गाइज, ये बिगिनर्स के लिए नहीं बट जो इंटरमीडिएट है उनके लिए तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक और रियलिस्टिक लुक देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो तो आपका बढ़ ही जाएगा, उसके साथ साथ आप जो अपने लेवल में भी अपग्रेडेशन पा जाएंगे। तो आप एक बार बिल्कुल ट्राई करके आप इसको देख सकते हैं। ये पेपर अब तक का मेरा सबसे बेस्ट पेपर रहा है, अलग बात है कि ये सबसे ज्यादा महंगा पेपर भी रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज हिट ए लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।